बिहार क्राउन जीके के इस क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में है जो हम वो बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे बिहार क्राउन जीके की किताब से, जिसमें पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा था। उसी चैप्टर का ये आगे कंटिन्यू है जो कि बौद्ध धर्म है, बुद्धिज्म के बारे में हमें पढ़ना है। इसके पहले के जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से या चैनल के प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को। तो गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वॉज बॉर्न इन 563 BC इन लुम्बिनी नाउ इन नेपाल इन द शाक क्षत्रिय क्लैन ऑफ कपिल वस्तु। तो गौतम बुद्ध या इनका सिद्धार्थ भी नाम था, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था वो 563 BC में कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी अब फिलहाल कहाँ है अभी? तो वो नेपाल में है। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो लुम्बिनी में हुआ था, शाक के क्षत्रिय क्लैन में, एक क्षत्रिय शाक के क्षत्रिय अवंश में इनका कपिल वस्तु में जन्म हुआ था। हिज फादर वाज सुदोधन, इनके पिता का नाम क्या था? तो बुद्धिज्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इनके पिता का नाम सुदोधन था। हिज मदर माया हु वॉज अ प्रिंसेस ऑफ नेबरिंग क्लैन ऑफ कोलियाज डाइड 7 days आफ्टर गिविंग बर्थ टू सिद्धार्थ। तो इनकी जो माता थी वो पड़ोस की ही एक वंश कोलिया की थी राजकुमारी। इनको जन्म देने के बाद, गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7 दिनों के बाद इनकी माता जिनका नाम माया था उनका डेथ हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज स्टेप मदर प्रजापति गौतमी। तो इनको जो है इनका पालन पोषण फिर किसने किया? इनकी स्टेप मदर जो कि इनकी मौसी भी थी, तो ये प्रजापति गौतमी नाम था उनका जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। ही वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 16 years टू यशोधरा एंड हैड अ सॉन नेम्ड राहुल। तो 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया यशोधरा से, और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। गौतम वांटेड टू लीव द वर्ल्ड इन द सर्च ऑफ ट्रूथ अबाउट संसार, यानी कि संसार के सत्य के बारे में जानने के लिए, संसार के सत्य को जानने के लिए ये पूरी दुनिया को छोड़कर सत्य की खोज में निकलना चाहते थे। ही वॉज टेकन अबैक बाई द साइट ऑफ एन ओल्ड मैन अ डिजीज मैन एंड अ डेड मैन। तो इनका जो ये पहले राजकुमार थे, क्योंकि क्षत्रिय क्लान में ये एक राज परिवार के एक राजकुमार थे, तो इस तरह से ये सामान्य जनजीवन से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, सामान्य लोग कैसे जीते हैं कैसे रहते हैं। तो इन्हें अचानक से एक बूढ़े व्यक्ति से मुलाकात हुई, एक रोगी व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को इन्होंने देखा, तो पूरी तरह से इनके दिमाग के जो सोचने का जो तरीका था, ये जो आम लोगों को अभी तक नहीं देख पाए थे, आम लोगों के जनजीवन को, इनकी सोच को, इन तीनों साइट को देखने के बाद, इन तीनों दृश्य को देखने के बाद, एक ओल्ड मैन, एक डिजीज्ड मैन और एक डेड मैन, इन तीनों को देखने के बाद इनका जो पूरे तरीके से इनका जो दिमाग था वो बदल गया। ही रिसीव्ड अ सीवियर शॉक एंड न्यू नो पीस ऑफ माइंड। तो उनको एक बहुत ही बड़ा झटका लगा और उन्हें ये नहीं पता चला कि दिमाग की शांति कैसे मिल सकती है, पीस ऑफ माइंड कैसे पाया जा सकता है, उन्हें कोई रास्ता ही नहीं दिखा। द साइट ऑफ एन एसेटिक हाउ एवर हेल्प्ड हिम टू मेक अप हिज माइंड टू लिव द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ पीस एंड एनलाइटमेंट। उसके बाद यह हुआ कि इन्होंने एक एसेटिक का दृश्य देखा, एक संत का दृश्य देखा, जहाँ से इनके दिमाग को इनको ये बताने में मदद मिला कि इस दुनिया को छोड़कर सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में इस पूरे दुनिया को छोड़कर निकलना चाहिए। ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड चाइल्ड इन द पैलेस एंड लेफ्ट द सिटी अननोटिस्ड accompanied by his horse कंथक एंड चैरिटियर चंडका। तो ये क्या है कि इन्हें जब पता चला कि इस पूरी दुनिया को छोड़कर सत्य की खोज में, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकलना चाहिए, तो इन्होंने राजमहल में ही अपनी पत्नी और अपने बच्चे को छोड़कर किसी को बिना बताए ये निकल गए सत्य की खोज में। और इनके साथ कौन थे? तो इनका एक घोड़ा था कंठक जिसका नाम था, और इनका एक सारथी था जो कि चंडका नाम था उसका। तो इन दोनों के साथ ही ये घर छोड़कर निकल गए। दिस इवेंट इज नोन एज महाभिनिष्क्रमण। तो ये जो घर छोड़कर जब गौतम बुद्ध निकले थे, तो इस घटना को क्या नाम दिया गया बौद्ध धर्म में? तो इसे महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया गया है। घर छोड़कर जब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जब निकल गए घर छोड़कर, तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। After leaving home, Siddhartha lived as a homeless ascetic for 6 continuous years, seeking instruction under 2 teachers,
फर्स्ट अलार कलमा इन वैशाली एंड सेकेंड रामपुत उद्दक एट राजगृह। यानी कि घर छोड़ने के बाद 6 महीनों तक लगातार ये एक होमलेस एसटी की तरह, जिनका कोई घर द्वार नहीं हो, वैसे संत की तरह इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। किसके निगरानी में रहकर? तो दो शिक्षक के निर्देशों के अंतर्गत इन्होंने 6 सालों तक बिताया अपना जीवन एक संत की तरह। ये दो शिक्षक इनके कौन थे? तो वो थे अलार कलमा, जो कि वैशाली में इन्होंने इनसे शिक्षा लिया, और सेकंड थे रामपुत उद्दक, जो कि राजगृह में इनसे गौतम बुद्ध की मुलाकात हुई थी। अनेबल टू फाइंड पीस फ्रॉम एनी ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन, ही रिसोर्टेड टू लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी एंड एक्सट्रीम सेल्फ मॉडिफिकेशन। यानी कि इन दोनों शिक्षकों से भी जब इनके दिमाग के जो प्रश्न थे, उनको इनके दिमाग को शांति नहीं मिल पाया, ये जिस चीज़ की खोज में निकले थे वो चीज़ इन्हें नहीं प्राप्त हुआ, तो इन्होंने जल्दी ही ये पता कर लिया कि सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, यानी कि अपने आप को बिल्कुल आत्म वैराग्य कर देने से अपने लाइफ को, अपने जीवन को एकदम एक्सट्रीम कंडीशन पर, यानी कि बस जीने के लिए जो जरूरी हो वही काम करें, बाकी पूरे सब चीज़ को छोड़ दिया जाए, वही लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी हो, यानी कि बिल्कुल ही सीवियर कंडीशन में अपने आप को जीवित रखना, तो ये इन्होंने करना चालू किया। However, soon he realized that self-mortification could not lead to salvation. यानी कि जैसे ही ये एक्सट्रीम लाइफ व्यतीत करना शुरू किए, लेकिन जल्दी ही इन्हें ये पता लग गया कि self-mortification जो है अपने आप को इस तरह से कष्ट देकर, अपने आप को इस तरह से अगर हम कष्ट देंगे, आत्म वैराग्य करेंगे, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। He gave up the path of self-mortification and began to take limited quantity of food. यानी कि अब तक ये बिल्कुल अपने आप को एक्सट्रीम कंडीशन पे जिंदा रख रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्हें रियलाइज हुआ कि सेल्फ मॉर्टिफिकेशन से इस तरह से सीवियर कंडीशन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, तो उन्होंने फिर थोड़ी धीरे धीरे लिमिटेड क्वांटिटी में सीमित मात्रा में भोजन लेना शुरू किया। ही वेंट टू निरंजना रिवर एंड अटेंड सुप्रीम स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन ऑन द फुल मून डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा अंडर अ पीपल ट्री नाउ कॉल्ड द बोधि ट्री नियर द विलेज ऑफ कुरुवेला, जो कि है मॉडर्न गया। तो ये कहाँ गए? तो निरंजना नदी के किनारे गए। निरंजना नदी फल्गु नदी को गया के नज़दीक जाकर ज्वाइन कर लेती है आगे, यानी कि निरंजना नदी जो है वो फल्गु नदी की सहायक नदी है। तो निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन ये जो है पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि अब बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, तो एक गांव उरुवेला के निकट एक गांव था जिसे कि अब आधुनिक में बोध गया कहा जाता है, तो वहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुप्रीम स्पिरिचुअल इल्यूमिनेशन, यानी कि इन्होंने समक्ष ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ये पूरी तरह से एक इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा उसके बाद से। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही वॉज कॉल्ड बुद्ध, यानी कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उस समय से इनका नाम जो था वो बुद्ध हो गया, फ्रॉम बुद्ध या तथागत या शाक्य मुनि। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध, तथागत या शाक्य मुनि के नाम से जाना जाने लगा। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध, तथागत या शाक्य मुनि के नाम से जाना जाने लगा। बुद्धा हैड अटेंड एनलाइटेनमेंट एट द एज ऑफ 35 ओनली एंड स्पेंट 40 ईयर्स इन टीचिंग एंड प्रीचिंग। यानी कि बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, वो 35 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, और आगे की ये 40 साल अपने जीवन के 40 साल ये लोगों को शिक्षा देने में, लोगों को उपदेश देने में बिताए थे। ही बिगेन हिज फर्स्ट सर्मन नॉट एट गया वेयर ही अटेंड एनलाइटेनमेंट बट एट सारनाथ नियर वाराणसी एट अ डियर पार्क where he preached 5 associates who left him on his giving up of severe austerities। यानी कि इन्हें जब 35 वर्ष की आयु में जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, तो अगले अपने जीवन के 40 वर्ष इन्होंने लोगों को ज्ञान देने में, लोगों को उपदेश देने में बिताया। इन्होंने अपना पहला उपदेश गया में नहीं दिया जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बल्कि इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि डियर पार्क, वाराणसी के निकट डियर पार्क में, जहाँ पे इन्होंने अपने 5 एसोसिएट, अपने 5 शिष्यों को इन्होंने ज्ञान दिया था सबसे पहले सारनाथ में। वहीं ये 5 शिष्य थे, जबकि इन्होंने जब सीवियर अपने लाइफ को सीवियर कंडीशन में रखना छोड़ करके जब इन्होंने थोड़ा थोड़ा भोजन लेना चालू किया था, तो ये जो 5 शिष्य थे इन्हें छोड़कर भाग गए थे कि ऐसे तो
किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, खा पी कर आप कैसे भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो यही पांच जो शिष्य थे बाद में इनके पहले उपदेश के सुनने वाले बने थे, पहले उपदेश को इन्होंने यही पांच शिष्यों ने सुना था। दिस सर्मन वाज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसे क्या नाम दिया गया, धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया। जब उन्होंने अपना गृह त्याग किया था तो बौद्ध धर्म में उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ही गेव मैक्सिमम सर्मन्स एट श्रवस्ती द कैपिटल ऑफ कोसल, सबसे ज़्यादा बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ दिए हैं तो श्रवस्ती में दिए हैं, जो कि कोसल जन महाजनपद की राजधानी थी। द बुद्ध डाइड एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC अंडर ए साल ट्री एट कोसी नगर इन UP। तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में बुद्ध की मृत्यु हो गई 483 BC में। 563 BC में इनका जन्म हुआ था, 483 BC में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई साल वृक्ष के नीचे कुशीनगर UP में। दिस इवेंट इज नोन एज महापरिनिर्वाण, और इस घटना को, बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इन्होंने जब गृह त्याग किया था उसे महाभिनिष्क्रमण, जब पहला उपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन, और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस घटना को महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया। हिज डेथ इज सेड टू हैव कॉज्ड बाय अ मील ऑफ पोर्क व्हिच वाज गिवन टू हिम बाय हिज डिसिपल चुंदा अ ब्लैक स्मिथ एट पावापुरी, यानी कि इनकी मृत्यु कहा जाता है कि पोर्क का मीट खाने से सुअर के मांस को खाने से, जिसे कि शुक्र माधव के नाम से जाना जाता है, उनसे इनकी मृत्यु हो गई, जो कि इन्हीं के एक शिष्य चुंदा, जो कि एक ब्लैक स्मिथ था, एक मोची जाति का था, जो कि उनका एक शिष्य था, उन्होंने उस शिष्य ने बुद्ध को मील जो है वो पोर्क का मीट खाने को दिया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई पावापुरी में। द बुद्ध अपॉइंटेड नो सक्सेसर टू हिम एंड टोल्ड आनंद दैट धम्म एंड विनय प्रिस्ट बाई हिम वुड टेक हिज प्लेस वेयर ही वुड बी नो मोर, यानी कि बुद्ध ने अपना कोई भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया। मरने से पहले उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने एक शिष्य आनंद से ये कहा कि धर्म और विनय जो उनके द्वारा जो शिक्षा दिए गए हैं धम्म और विनय का, वही उनका स्थान लेंगे जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। सुभद्रा ए वांडरर बिकम एन अरहत एंड ही वॉज द लास्ट डिसिपल ऑफ बुद्धा, तो सुभद्रा नाम का जो व्यक्ति था वो बुद्ध का सबसे अंतिम शिष्य बना। बुद्धा लास्ट वर्ड्स वेयर दैट डीके इज इनहेरेंट इन ऑल कॉम्पोनेंट थिंग्स एंड दे शुड वर्क आउट देयर सेलिब्रेशन विद डिलीजेंस, यानी कि बुद्ध के जो अंतिम शब्द थे उन्होंने ये कहा था कि सभी कॉम्पोनेंट्स का इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं जितने भी वस्तुएँ हैं उनका जो क्षय जो है, उनका जो विनाश जो है वो अंतर निहित है, और अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्हें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। द रिलिक्स ऑफ बुद्धा वेयर डिवाइडेड इंटू 8 शेयर एंड वॉज इंस्ट्राइंड इन अ स्तूपा, तो बुद्ध के जो भी अवशेष थे उनके मृत्यु के बाद उन्हें 8 भागों में विभाजित कर दिया गया और उन्हें स्तूपों में रखा गया था। मेन फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म, अब बौद्ध धर्म के बुद्धिज्म के मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो फंडामेंटल फाइंडिंग्स ऑफ बुद्धा आर नोन एज फोर नोबल ट्रुथ्स, तो जो मौलिक खोज हैं बुद्धा के, फंडामेंटल फाइंडिंग्स है जो बुद्ध के, उन्हें 4 नोबल सत्य कहा जाता है। वो 4 नोबल सत्य कौन कौन से हैं, माइजरी यानी कि दुख, द सेकेंड नोबल ट्रुथ स्पीक्स ऑफ काउजेज ऑफ माइजरी जिसे कि समुदाय कहा जाता है, दुख समुदाय, यानी कि पहले दुख आता है फिर उस दुख का कारण क्या है। बुद्धा ने 4 मौलिक खोज बताए थे, जो पहले दुख आता है फिर उस दुख का कारण यानी कि काउज ऑफ माइजरी जिसे समुदाय कहा जाता है। द थर्ड नोबल ट्रुथ डील्स विथ सेसेशन ऑफ माइरेज यानी कि दुख निरोध, तो तीसरा जो असत्य है यानी कि दुख का निरोध कैसे किया जाए, दुख को दूर कैसे किया जाए। एंड द लास्ट नोबल ट्रुथ डील्स विथ द रोड लीडिंग टू सेसेशन ऑफ माइजरी, यानी कि चौथा जो नोबल सत्य है वो ये है कि कौन से ऐसे पाथ पर हम चले जिससे कि ये दुख जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो 4 नोबल सत्य कौन कौन से हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध और मार्ग। दुख आता है फिर उस दुख के कारण जानते हैं हम, उसके बाद दुख का निरोध कैसे किया जाए, और फिर कौन सा ऐसा पाथ है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर हम दुख से छुटकारा पा सकते हैं, दुख की समाप्ति कर सकते हैं।
बुद्ध असर्ट्स दैट दिस मार्ग इज एट फोल्ड एंड इज कॉल्ड अष्टांगिका मार्ग। तो ये बुद्ध ने बताया था कि जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो दुखों को समापन की ओर ले जाता है, वो अष्टांगिका मार्ग के उस अष्टांगिका मार्ग के द्वारा उसे दुख का समापन किया जा सकता है। वो अष्टांगिका मार्ग कौन कौन से हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मंत, सम्यक वाच्य, सम्यक व्यायाम और सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। यानी कि इन आठ मार्गों से सम्यक दृष्टि, यानी कि सही दृष्टि रखें, सही संकल्प रखें, सही अपना स्पीच, अपना वाक, सही अपने बोलने का तरीका रखें, अच्छे कर्म करें, अच्छी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करें, अच्छे कोशिश करें और अच्छे स्मृति से और अच्छे समाधि से आप जो है वो दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये अष्टांगिका मार्ग जो है वो बुद्ध के द्वारा बताए गए थे अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए। देर आर दास शीला और 10 कमांडमेंट्स ऑफ बुद्धा। इस तो ये बुद्ध के द्वारा 10 आज्ञा दिए गए थे, 10 शील दिए गए थे। 10 कमांडमेंट्स बुद्ध के क्या हैं, उनके 10 आज्ञा क्या हैं? तो स्पीक द ट्रूथ, यानी कि सत्य बोलिए, डू नॉट कमिट थेफ्ट, यानी कि चोरी नहीं करना है, ऑब्जर्व ब्रह्मचर्य का पालन करना है, डू नॉट कॉन्वेट एनीथिंग, किसी चीज़ का लोभ नहीं करना है, ऑलवेज प्रैक्टिस अहिंसा, हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलिए, फूलों का कभी उपयोग नहीं कीजिए, नेवर मेक यूज़ ऑफ फ्लावर्स परफ्यूम्स एंड सेंट्स, यानी कि फूलों की, परफ्यूम की और सेंट्स का उपयोग नहीं करना है। उसके अलावा डू नॉट इंडल्ज इन सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग में, नृत्य में और गायन में लिप्त नहीं होना है, अवॉइड एसोसिएटिंग विथ वुमेन, यानी कि महिलाओं की संगति को भी अवॉइड करना है, डू नॉट टेक फूड एट फॉरबिडन टाइम एंड डू नॉट स्लीप ऑन सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल बेड्स, यानी कि जब जिस समय भोजन निषेध हो उस समय भोजन नहीं करना है और आरामदायक बेड्स पर, सॉफ्ट मुलायम बेड्स पर सोना मना है। ऑल द मॉन्क्स वेयर required to follow all the 10 rules strictly। तो जितने भी monks होते थे, जितने भी बौद्ध धर्म के जो संत होते थे, उन्हें ये 10 नियमों को बहुत ही strict तरीके से उसको follow करना पड़ता था, उसको अनुसरण करना पड़ता था इन 10 नियमों का। बुद्ध धर्म एंड संघ आर द 3 gems of Buddhism। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न क्या क्या हैं, 3 रत्न कौन कौन से हैं, वो है बुद्ध धर्म और संघ। द डिसिपल्स यूज टू लिव इन मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड संघ। तो जो भी बुद्ध के जो डिसिपल्स हुए, जो भी उनके शिष्य हुए, वो कहाँ रहते थे, तो मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में, एक मठ की संस्था थी, मठों में वो निवास करते थे, जिन्हें संघ के नाम से जाना जाता था। तो जो भी बुद्ध धर्म के जो भी अनुयायी होते थे, जो भी उनके शिष्य होते थे, वो मठ में रहा करते थे, जिन्हें कि संघ कहा जाता है। एट द क्लोज ऑफ वाशा ड्यूरिंग द रिट्रीट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि क्लोज ऑफ वाशा क्या है, तो रिट्रीट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि जो बरसात के मौसम है उस समय सभी मॉन्क्स जो होते थे, द मॉन्क्स मेट टुगेदर टू कॉन्फेस देयर ऑफेंसेस कमिटिंग ड्यूरिंग देयर स्टे इन द रेनिंग सीजन, यानी कि वर्षा ऋतु में ये सभी जो मॉन्क्स होते थे, जो सभी संत होते थे, वो एक जगह इकट्ठे होकर वो अपने जितने भी उन्होंने अभी तक गलतियाँ की हैं, जितने भी अभी तक उन्होंने कुछ गलत काम किए हैं, उन सबको कॉन्फेस करते थे, उन सबको स्वीकारते थे इस वर्षा ऋतु के समय में। और दिस सेरेमनी वाज कॉल्ड उपोत्सव, तो इस सेरेमनी को क्या कहा जाता था, तो उपोत्सव के नाम से इसे जाना जाता है। गौतम बुद्ध वाज नॉट इन फेवर ऑफ एडमिटिंग वुमेन्स एज नंस, बट ही डिड सो रिलक्टेंटली एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज चीफ डिसिपल आनंद। यानी कि गौतम बुद्ध जो थे, वो महिलाओं को नंस के रूप में एडमिट करने के पक्ष में नहीं थे, महिलाओं को नन बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनका जो मुख्य प्रमुख एक शिष्य था आनंद नाम का, उसके कहने पर इन्होंने महिलाओं को भी नन की कैटेगरी में शामिल किया। अब कुछ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो 4 बौद्ध संगीति हुए थे, उसका डिटेल दिया गया है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो 483 BC में पहला बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सतपर्णी केव राजगृह में, पहला बौद्ध संगीति 483 BC में राजगृह में हुआ था। राजगृह में कहाँ, तो सतपर्णी गुफा में। इसका जो अध्यक्षता किया था पहले बुद्धिस्ट काउंसिल का,
पहले बौद्ध संगीति का उसका अध्यक्षता किया था महाकश्यप ने। उस समय शासक कौन था? तो आजात शत्रु था। दूसरा बौद्ध संगीति 383 बीसी में वैशाली में आयोजित किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता किया था वो सावक मीर ने किया था और शासक उस समय कौन था? तो कालाशोक था। तीसरा बौद्ध संगीति 251 बीसी में किया गया था पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत तिश्क के द्वारा किया गया था और उस समय शासक जो था वो अशोक था। चौथा बौद्ध संगीति 1st century AD में किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था और उस समय जो शासक था वो कनिष्क था। तो ये है चार बौद्ध संगीति जो कि उसका डिटेल दिया गया है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की और किस शासक के शासनकाल में करवाया गया। आउटकम्स ऑफ द बुद्धिस्ट काउंसिल, अब जो ये बौद्ध संगीति कराए गए उसके आउटकम्स क्या हुए, उसके परिणाम क्या हुए। तो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था तो इसमें क्या किया गया था कि धम्म और विनय जो बुद्ध के द्वारा दिया गया था इन सबको कंपाइल किया गया था। तो धम्म क्या था? तो रिलीजियस डॉक्ट्रिन, जो भी धार्मिक सिद्धांत है वो धम्म में बताया गया था। और विनय में क्या बताया गया था? तो मोनास्टिक कोड्स, मठों में जो निवास करेंगे बौद्ध भिक्षु उनके लिए क्या नियम है, ये विनय में कंपाइल किया गया। तो धम्म और विनय में कंपाइल किया गया था जो बुद्ध के द्वारा जो भी दिए गए थे ज्ञान उसको। कंपाइलेशन ऑफ विनय पिताका बाई उपाली एंड सुत पिताका बाई आनंद। तो विनय पिताका किसके द्वारा कंपाइल किया गया? तो उपाली के द्वारा और सुत पिताका जो है वो आनंद के द्वारा। अब दूसरे बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि परमानेंट सिज्म ऑफ बुद्धिस्ट चर्च इनटू स्थाविराज एंड महासंघिका। तो जो परमानेंट सिज्म यानी कि जो बुद्धिस्ट चर्च होते थे उनमें परमानेंट मतभेद हो गया, उनमें परमानेंट फूट हो गया और उसको किस में बांटा गया? तो स्थाविराज में और महासंघिकाज में बांटा गया। जो भी बुद्धिस्ट चर्च थे दूसरे बौद्ध संगीति में उसमें उसको दो भागों में बांटा गया। वो कौन से दो भाग हैं? तो स्थाविराज और महासंघिका। तीसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या हुआ तीसरे बौद्ध संगीति में? तो अभिधम पिता का वास कंपाइल्ड बाई मोगलीपुत तिश्क। तो तीसरे बौद्ध संगीति में मोगलीपुत तिश्क के द्वारा अभिधम पिताका को कंपाइल किया गया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में चौथे बौद्ध संगीति में बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड सेट्स महायान एंड हीनयान। तो चौथे बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के शासनकाल में हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुदेव ने की थी। उसमें बौद्ध संगीति में चौथी बौद्ध संगीति में हुआ क्या था? तो बौद्ध धर्म जो था वो दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म और बौद्ध धर्म का क्या 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 योगदान है उसके बारे में जानते हैं। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, कुछ बौद्ध धर्म के कुछ पवित्र ग्रंथ हैं, पाली कैनोनिकल टेक्स्ट। द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इन पाली आर कॉमनली रिफर्ड टू एज त्रिपिटका, दैट इज थ्री फोल्ड बास्केट। तो जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं पाली में उन्हें त्रिपिटका के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटका के नाम से जाना जाता है वो कौन कौन से हैं त्रिपिटका? पहला है विनय पिटका। तो इट डील्स विथ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मॉक्स एंड नंस। एन अकाउंट ऑफ लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इज आल्सो गिवन। तो विनय पिटका में क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसे पति मोक्ष कहा जाता है, तो जो भी नियम और कानून है भिक्षु को और भिक्षुनी के पालन करने का जो नियम कानून है वो विनय पिटका में दिया गया है। इसके अलावा बुद्ध के कुछ जीवन के शिक्षा के बारे में, जीवन से उन्हें जो शिक्षा मिली थी उन सब के बारे में भी विनय पिटका में दिया गया है। सुत पिटका में क्या है? तो इट कंसिस्ट ऑफ डिस्कोर्सेस एज डिलीवर्ड बाई बुद्ध हिमसेल्फ ऑन वेरियस ओकेजन। द धम्म पद कंटेनिंग द समरी ऑफ बुद्धाज यूनिवर्सल टीचिंग इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द ग्रेट रिलीजियस टेक्स्ट टू द वर्ल्ड। यानी कि धम्म पद जो कि बुद्ध की यूनिवर्सल टीचिंग है, बुद्ध के उसमें ज्ञान का समावेश किया गया है, तो वो उसे ग्रेट रिलीजियस टेक्स्ट पूरे विश्व में माना जाता है, पूरे विश्व का एक महान धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें बुद्ध के द्वारा जो बुद्ध ने खुद से जो भी ज्ञान दिए हैं उसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग महोत्सव पे जो बुद्ध ने ज्ञान दिया था वो सुत पिटका में उसका कंपाइल किया गया है। विनय पिटका में क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नियम कानून जो भिक्षु और भिक्षुणीज को जो पालन करने होते हैं उसका कंपाइलेशन है, ये सब उसमें लिखे गए हैं। तीसरा क्या था? तो वो था अभिधम्म पिटका।
तीसरा क्या है, तीसरा है त्रिपिटका का, तीसरा है अविधम पिटका। अविधम पिटका में क्या दिया गया है, इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑफ बुद्धा टीचिंग्स, धम्म संगिनी प्रोवाइड्स अ गुड इनसाइट्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड एथिक्स। तो बुद्ध के द्वारा जो भी उनके दर्शन थे, जो भी उनके नीति शास्त्र थी, इन सबको अविधम पिटका में, जिसे कि धम्म संगिनी के नाम से बुद्ध के जो भी उपदेश हैं, बुद्ध के दर्शन के जो भी उपदेश हैं, उसे धम्म संगिनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें बुद्ध के दर्शन और बुद्ध के नीतियों के बारे में दिया गया है। कथा वधु एस्क्राइब टू मुगली पुतिश थ्रोज इन वैल्यूएबल लाइट्स ऑन द इवोल्यूशन ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी। तो कथा वधु में क्या दिया गया है, तो बुद्धिस्ट फिलोसफी का, बौद्ध दर्शन शास्त्र का कैसे इवोल्यूशन हुआ, इसके बारे में उस पर प्रकाश डाला गया है। सम अदर सेक्ट्स, कुछ अलग अलग पंथ भी हुए, वो कौन कौन से हैं, तो अजीविकिज्म है, इट वॉज फाउंडेड बाई मखली गोसार। कुछ अलग अलग पंथ भी आए बौद्ध धर्म में, तो अजीविकिज्म की संस्थापक जो है, वो अजीविकिज्म के जो संस्थापक है वो कौन है, तो मखली गोसाल है। इट बिलीव्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नियति विच इज़ ओनली डिटरमाइनिंग फैक्टर इन द यूनिवर्स। तो ये किस सिद्धांत पर विश्वास करते थे मखली गोसाल, तो नियति के सिद्धांत पर विश्वास करते थे, जो कि नियति के द्वारा ही इस विश्व में जो कुछ भी होता है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, वो नियति के द्वारा ही होता है। अमोरलिज्म में क्या दिया गया है, तो पुराण कश्यप बिलीव्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ अक्रियवाद और नॉन एक्शन। तो पुराण कश्यप जो है वो किस में विश्वास करता है, किस सिद्धांत में विश्वास करता है, तो नॉन एक्शन, अक्रियवाद, यानी कि बिना कोई कर्म किए, बिना कोई कार्य किए। ही मेंटेन्ड द मैन डिड नॉट ऑकर इन का सीन थ्रू एक्शन विच वेयर पॉपुलरली नोन एज बैड। यानी कि उनके द्वारा ये कहा गया कि जो भी मनुष्य जो भी गलत काम करते हैं, वो अपने कर्मों से, अपने एक्शन से, अपने काम से नहीं करते हैं, जो इन्हें की गलत माना जाता है। मेटेरियलिज्म किसके द्वारा बताया गया था, तो अजीत केश कम्बलिन वॉज अ सीनियर कंटेम्प्ररी ऑफ बुद्धा, एक सीनियर समकालीन थे यह बुद्ध के, अजीत केश कम्बलिन। इनका जो सिद्धांत था वो क्या था, इनके सिद्धांत को उच्छेदवाद के नाम से जाना जाता है। तो उच्छेदवाद क्या है, ही हेल्ड दैट बॉडी कंसिस्ट ऑफ फोर एलिमेंट इन टू विच इज डिजॉल्व आफ्टर डेथ। इनके द्वारा उच्छेदवाद में कहा गया था कि जो पूरा बॉडी है हमारा, जो पूरा हमारा शरीर है, ये चार तत्वों से मिलकर बना है, और जो मृत्यु के बाद इन चार ही तत्वों में हमारी शरीर जो है वो मिल जाती है। इटर्नलिज्म यानी कि सनातनता, तो पकुद का कायंस के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है इटर्नलिज्म का, जिसे कि शाश्वतवाद के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम पकुद का कायन के द्वारा, पकुद का कायन की जो सिद्धांत थी उसे शाश्वतवाद, शाश्वतता के नाम से जाना जाता है, शाश्वतवाद के नाम से जाना जाता है। और इनके अनुसार देयर आर सेवन एलिमेंट्स विच आर नॉट ओनली इम्यूटेबल, यानी कि सात तत्व हैं जो कि केवल अडिग ही नहीं है, बट दे डू नॉट इन एनी वे कंट्रीब्यूट टू प्लेजर और पेन। जो सात तत्व हैं वो बस सिर्फ अडिग ही नहीं है, बल्कि वो जो भी प्लेजर हो, जो भी खुशी होती है, जो भी हमें दुख होता है, उनमें उनका किसी भी तरह का योगदान नहीं है। द बॉडी इज डिजॉल्व इनटू सेवन एलिमेंट्स विच आर इटर्नल। तो बॉडी जो है वो फिर इन सात तत्वों में ही मिल जाती है, जो कि ये शाश्वत तत्व है। अब एग्नोस्टिसिज्म किसके द्वारा दिया गया था, तो ये संजय बेलाथी पुत्र के द्वारा दिया गया था, और इनके सिद्धांत को विक्षेपवाद के नाम से जाना जाता है। विक्षेपवाद क्या है, और दैट विल डाइवर्ट सम माइंड्स फ्रॉम इट्स राइट ट्रैक। यानी कि वो ऐसा सिद्धांत के बारे में बताए थे जो कि हमारे माइंड को, हमारे दिमाग को सही दिशा से डाइवर्ट करता है, उसे बदलता है, सही दिशा में नहीं जाने देता है। तो यह है बौद्ध धर्म के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा अब स्टार्ट होगा, मौर्यन एम्पायर, जिसे कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।